करना चाहिए हर हालत में। ठीक है, देखिए एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं कि आज हम लोग जो पढ़े वो टेंस के नियम और पैसिवाइज बनाने के नियम, दो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एकदम आज याद होना चाहिए, इसके बिना अंग्रेजी में एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो बनाने के नियम यह होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, तब वर्ब का पहला रूप, अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इसमें यस और ई एस प्लस सब्जेक्ट, और सुन लो अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो इसमें यस और यस का प्रयोग हम लोग नहीं करते, और अगर ये निगेटिव में होता तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग डू या डज लिखते और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप, तब हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते। जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब आप इज और आर लिखेंगे, और तब आप क्या लिखेंगे, हाँ तब वर्ब का तीसरा रूप, तब बाई, और तब आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब बात करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप नियम जानते होंगे कि आपके पास सब्जेक्ट रहता है, प्लस ईच आर एम रहता है, प्लस वर्ब में आई एन जी रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा उसको बारे में आप देखने के लिए चल रहे हैं कि पैसिव वॉइस में बनाएंगे जब, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस ईच आर एम लिखेंगे, प्लस बेइंग लिखेंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, तब आई लिखेंगे, तब सब्जेक्ट। यानी कोई भी कंटिन्यूअस होगा आप उसमें बेइंग का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेगा तो बनाने के नियम होता है सब्जेक्ट लिखते हैं और हैज और हैव लिखते हैं, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। कर्ता अगर एक वचन होगा तो आप हैज का प्रयोग करते हैं, कर्ता अगर बहुवचन होगा तो आप हैव का प्रयोग करते हैं, एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग और बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। और जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई तब सब्जेक्ट, बात समझे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाई तब सब्जेक्ट। और चार नंबर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात करेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेगा तो इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए नहीं बनता है कि मैं पहले ही आपका बीन आ गया होता है, जब पहले बीन आ जाएगा बाबू तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सब लोग याद कर लो, ये चारों नियम याद हुआ सबको, मैंने एकदम चारों नियम एकदम कंठस्थ से आज कर लेना है, बस इसमें एक ट्रिक याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस कोई भी रहेगा तो इसमें बेइंग का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी परफेक्ट रहेगा तो इसमें आप बीन का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि पहले ही इसमें बीन आ गया होता है। तो चार नियम है, फिर चार नियम जा रहे हैं लिखाने के लिए, आज 8वें 12वें लिख लेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग पास्ट वाला चारों टेंस के बारे में देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का दूसरा रूप होता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कर्ता सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा वर्ब का दूसरा रूप का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में आओ, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वाच वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई तब सब्जेक्ट आप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाई तब सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका है, तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेगा तो इसके नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वाच वेयर प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, समझे। आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाच वेयर प्लस बेइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई तब सब्जेक्ट, माने वाज ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बेइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई तब सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद से पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ जाओ, तो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसे वाइज बनाएंगे आप तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई तब सब्जेक्ट। उसके बाद से पास्ट परफेक्ट में चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसका तो पैसिव वॉइस बनता नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही बीन आ गया होता है, तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। तो इस तरीके से ये आपके पास्ट के चार भाग रहे, चारों के चारों आपने
लिख लिया। ए, लिख लो, करण बैठा हुआ है तू। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारा सा एक टॉपिक, फ्यूचर के पूरा चारों भाग को देखेंगे हम लोग। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसके बनाने का नियम आपके पास मौजूद होता है, हालांकि इसके हिंदी में पहचान भी जानते होंगे, गाग ही आता अंतिम में। तो सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल होता है प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब ऐसे वाज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस वाई तब सब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसे वाइज बनाओगे तो कहोगे नहीं बनता, क्योंकि इसमें बी ऑलरेडी आ गया होता है, पहले ही मैंने बी आ गया होता है, इसीलिए इसका पैसे वाइज नहीं बनता। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता क्योंकि इसमें बी आ गया होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाने के नियम होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस आई प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस पैसे वाइज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट शैल या विल प्लस आई प्लस बीन, इसमें एड हो जाता है, वर्ब का तीसरा रूप बाई तब सब्जेक्ट, मतलब इसमें बीन आपका एड हो जाता है। और लास्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस आई प्लस बीन प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एफ आर प्लस टाइम। और इसका पैसे वाइज की बात होगा तो इसका पैसे वाइज आपका नहीं बनता है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं बता सकते, ठीक है? तो ये टेंस है, थोड़ा सा लिख लीजिए, बना कर न वाले बच्चे।